सुप्रभात, मेरा नाम तनीषा सिन्हा है एवं मैं कक्षा दशम सर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। यह त्यौहार मुख्यतः महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिन का उत्सव बहुत ही भव्य रूप से मनाते हैं सभी लोग। इसमें सभी लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन हो जाता है। गणेश चतुर्थी के पीछे एक उनके जन्म की कहानी है तो मैं आप सभी को वह बताने जा रही हूँ। पार्वती जी के शरीर पर बहुत ज़्यादा मैल लगा हुआ था तो उन्होंने उस मैल को निकालकर एक आकृति बनाई और वह आकृति एक शिशु की थी और उसका नाम गणेश रख दिया। और पार्वती जी ने उस बालक से कहा कि तुम यहाँ पर पहरा देते रहना जब तक मैं स्नान करके नहीं आ जाती। तो तत्पश्चात शिव जी वहाँ पर आते हैं, वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं परंतु गणेश जी जो उनको रोक देते हैं और यही युद्ध का कारण बनता है और गणेश जी का शिव जी सर काट देते हैं। उसके बाद जब पार्वती जी बाहर आती हैं तो वो देखती हैं यह सब और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। शिव जी अपने गरुण जी से बोलते हैं कि आप जाओ और एक ऐसे जीव का मस्तक लेकर आओ जो उत्तर दिशा की तरफ से सोया हो। तो जो गरुण जी होते हैं वो एक हाथी का मस्तक लेकर आते हैं और उस मस्तक को शिव जी धड़ में लगा देते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों का त्यौहार होता है, पर इतना लंबा समय तक हम यह त्यौहार मनाते क्यों हैं? तो पेशवा शासन के समय यह त्यौहार एक ही दिन का मनाया जाता था, परंतु जब से अंग्रेज भारत में आए थे तो यह त्यौहार कम मनाया जाने लगा क्योंकि इसको मनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो हमारे देश के महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी ने सभी को संगठित करने का विचार किया और यह सोचा कि गणेश जी ही एकमात्र देवता हैं जिनको सभी धर्म के लोग पूजनीय मानते हैं। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी मनाई और वो भी 10 दिनों तक। उससे हिंदुओं को एकजुट होने में मदद मिली और देश को आज़ाद कराने में भी मदद मिली। आप सभी को तो पता ही होगा कि गणेश जी को 10 दिन पूजा विधि विधान से करने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। पर ऐसा क्यों? जब वेद व्यास जी गणेश जी से 10 दिन तक महाभारत लिखवा रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वह गणेश जी को एक सरोवर में लेकर जाते हैं जहाँ का जल बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। वहाँ पर उनका जो गणेश जी का तापमान होता है वो कम हो जाता है और गणेश जी वेदव्यास जी को एक वरदान देते हैं कि जो भी मेरे शरीर का तापमान कम करेगा उसके सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। गणपति जी का सर पर हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो, खुशियों का हो बसेरा, करे शुरुआत बप्पा के गुणवान से, मंगल फिर हर काम हो। धन्यवाद आप सभी को एवं आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।